इमेज विजिबल हो रहा है? यस सर। ओके, सो ये चेयर बनाएंगे, इस चेयर में ये जो डिटेलिंग दिख रही है सारी कुछ डालनी है, ये टेबल बनाना है, और ये स्ट्रीट लाइट हो गया, ये उसका टेक्सचर हो गया टेबल टॉप का, और ये टेबल पे वुडन टेक्सचर हो जाएगा। सो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बेसिक टूल्स कमांड होंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें नया होगा। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना। सो सबसे पहले जो बेसिक ऑब्जेक्ट जैसे रोड हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये सारा डिजाइन करना है, तो पहले वो कर लेते हैं। जैसे रोड बनाना है, रोड मुझे टर्न में बनाना है, टॉप व्यू में जाएंगे, जैसे सीधी जा रही है एंड देन उसके बाद लेफ्ट में टर्न हो गया। सो उसे बनाने के लिए यूज करेंगे स्प्लाइन टूल। स्प्लाइन में जाकर के लाइन लेंगे, लाइन शिफ्ट के साथ लोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, फर्स्ट लाइन। देखो शिफ्ट होल्ड करते ही ये सीधी हो जा रही है, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, रोड कहीं पे भी कॉर्नर नहीं होता है, सो ये राउंडेड होता है। सो राउंडेड यूज करने के लिए क्या करेंगे, राउंडेड यूज करने के लिए कहाँ पे, लाइन पे वर्टेक्स, इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो फिलेट ऑप्शन आएगा, FILLET। फिलेट से क्या होगा, इसमें ये राउंडेड कॉर्नर हो जाएगा। इसके बाद लाइन पे जाना है, स्क्रॉल करना है, सबसे ऊपर रेंडरिंग ऑप्शन होगा, इस रेंडरिंग ऑप्शन में ऑन करना है हमें ये वाले कमांड, इनेबल इन रेंडर, सो ये रेंडरिंग में इनेबल होगा, इनेबल इन व्यूपोर्ट, सो ये वर्क स्पेस में इनेबल हो जाएगा। ये करने के बाद ये लाइन कन्वर्ट हो गया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को रेडियल बोलते हैं, रेडियल राउंडेड होता है, एंड मुझे रेडियल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में लेंथ को कम करना है, जैसे लेंथ को मुझे चाहिए 1 एंड विड्थ चाहिए 30। समझ में आ? इसके बाद मुझे एक पोल बनाना है। वो पोल कैसा बनाना है कि जो हमें पोल बनाना है कुछ इस तरीके का सिंपल है, इसमें से वायर नीचे की ओर जा रही है, सो क्या करना है, यहाँ पे जाना है, लाइन से भी बना सकते हो और ज्योमेट्री से भी बना सकते हो, यूज करो सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ पे बनाओ, किसी एक जगह पे बनाओ, डायमेंशन सही होना चाहिए। ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हो, जी इज द कमांड फॉर ग्रिड ऑन एंड ऑफ। सो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहा हूं, हाइट इंक्रीज किया, एंड देन इसके बाद इसका रेडियस और बाकी सारी चीजें कम करना है। रेडियस 1.2 रखते हैं, हाइट 60, एंड देन ऑल्ट क्यू फॉर आइसोलेशन।
देन इसके बाद वायर को होल्ड करने के लिए जो बनाते हैं उसे बना रहे हैं। यहां पे लेंगे लाइन, लाइन को रेंडरेबल ऑफ कर देना है। जिस जगह पे सिलेंडर आ रहा है उस जगह पे एडिट करना है। सो इस लाइन के मॉडिफिकेशन मोड में जाएंगे, यहाँ पे वर्टेक्स, राइट क्लिक हेयर, रिफाइन। रिफाइन का मतलब होता है एड डिवीजन। सो यहां से लेकर यहां तक एडिट करेंगे। ये होना चाहिए कैसा, ये वाला वर्टेक्स थोड़ा इधर किया और इसे स्मूथ कर दिया। इस वाले को और इस वाले को फिलेट कर दिया। लाइन पे गए और रेंडरिंग एनेबल किया। इसमें ये रेक्टेंगुलर था, ये वाला अमाउंट जो 50 था इसे सबसे कम करो। सबसे पहले यहां पे 0.1 बाय 0.3 इसको सेलेक्ट करेंगे एंड प्लेस करेंगे इसके अंदर। वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, ये वाला वर्टेक्स, ये वाले वर्टेक्स, ये और ये, इन सारे को सेलेक्ट करके मूव करेंगे इसके सेंटर पार्ट तक। यहां पे देखोगे कि डिवीजन अंदर की ओर जा रहा है। वायर फ्रेम में चले जाओ, राइट क्लिक अगेन एंड यूज रिफाइन, इसके सेंटर में रिफाइन करो। डब्ल्यू प्रेस किया, F3 मोड से वापस आए एंड देन क्या करना है इसको, यहां पे इस ऑब्जेक्ट का मिरर चाहिए। सो मिरर करने के लिए हमारे पास कमांड है मिरर। पहले यूज करते थे सिमेट्री, यहां पे ये मिरर करना है मुझे। सेलेक्ट दिस वन, मिरर। मिरर में यहां पे ऑप्शन आ रहा है नो क्लोन। सो हमें क्लोन चाहिए, कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद देख रहे हो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन चेंज करना है। डायरेक्शन चेंज हो गया और दोनों के बीच के गैप को चेंज कर लेना है। समझ में आया? सुन रहे हो ना तुम लोग? यस। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसी के दो पोल बनाने हैं। सो एक ऊपर की ओर, इन सबको सेलेक्ट करता हूं एंड यूज करते हैं ग्रुप। बाद में ग्रुप ओपन भी हो सकता है और अनग्रुप भी हो सकता है। अनग्रुप से क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट एक नया ऑब्जेक्ट, जैसे अभी क्या है ये एक में आ रहा है,
किसी एक को सिलेक्ट किया तो सारे सिलेक्शन आ गए, अनग्रुप करेंगे तो वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो वन बाय वन सिलेक्शन होगा लेकिन वो ग्रुप का पार्ट होगा। आइसोलेशन मोड से वापस आते हैं। अब इसमें रोटेशन देना है, लेकिन मुझे अभी क्या करना है कि इस पोल को इसके चारों साइड जो ये सॉरी इसके एज लाइन पे लेके जाना है। सो मुझे ऐसा ही एज लाइन बनाना होगा, तो ऐसा क्या करें कि ये एक एज लाइन बन जाए। सो इस रोड के ऊपर एडिटेबल पॉली मॉडिफायर डालो। एडिटेबल पॉली में एज को सेलेक्ट करो, ये वाली लाइन ऑल्ट एल लूप लाइन सिलेक्शन आ गया, राइट क्लिक हेयर एंड क्रिएट शेप। मुझे स्मूथ चाहिए सो हमने स्मूथ किया एंड देन इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट एडिटेबल स्प्लाइन में नेम से बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग ऑफ कर दिया हमने तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मिला। अब क्या है, मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करने के लिए एंगल स्नैप टॉगल पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे टाइप हेयर 90 डिग्री ऑन करेंगे इस वाले को एंड देन जब भी रोटेट करेंगे तो ये 90 डिग्री में रोटेट होगा। मुझे क्या चाहिए, इस पाथ के ऊपर कॉपी बनना चाहिए। सो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एडिट में जाओ, सॉरी टूल्स पे जाना है, अलाइन पे जाना है, स्पेसिंग टूल यूज करना है। यहां पे गए, पिक पाथ, पाथ को सेलेक्ट किया और ये देखा कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 पोल्स बन गए। सो यहाँ पे देखो कितने पोल की जरूरत है, 3। अगर सपोज मुझे 5 चाहिए तो मैं ये काउंट करूंगा और ये 5 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सो मैंने अभी यहाँ पे 4 पोल यूज किए हैं। ये ओरिजिनल है, जब भी मैं इसमें एडिटिंग करूंगा तो बाकी सारे में एडिटिंग हो जाएगी। अब मुझे इसके और इसके बीच में वायर चाहिए। ऑल्ट क्यू वायर के लिए यहां पे जाएंगे, यूज करेंगे लाइन, शिफ्ट के साथ। सो यहां ये लाइन बना, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये वेट होगा, ग्रेविटी खींचेगी इसे और ये नीचे की ओर होना चाहिए। सो मॉडिफाई में करेंगे और सेगमेंट रिफाइन यूज करते थे तो जहां पे मुझे जरूरत होती थी वहां पे करता था। सो इस बार रिफाइन की जगह पे डिवाइड यूज करेंगे। सो यहां पे जाओ और सर्च करो डिवाइड। मिला डिवाइड। डिवाइड में देख रहे हो इसके बीच में एक डिवीजन आया इक्वल डिस्टेंस पे, अगेन डिवाइड, अगेन। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसके जगह पे 5 कर दूं तो 5 डिवीजन एक ही बार में जनरेट करेगा। अब मुझे क्या करना है, इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है एंड देन यूज करना है स्मूथ। वर्टेक्स मोड पे जाएंगे,
अभी क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट में विजिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये रेंडरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है। सो सबसे पहले यहाँ पे जाकर के इसमें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लीनियर लाइन बन रहा है स्मूथ होने के बाद भी। सो सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करेंगे। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इंटरपोलेशन में जाकर के इसके जो स्टेप्स हैं 6 स्टेप्स इसको अडेप्टिव कर देंगे। अडेप्टिव करने से क्या हो जाएगा, ये स्मूथ हो जाएगा या फिर यहां से डिवीजन इंक्रीज कर देंगे। अब क्या करना है कि रेंडरिंग ऑप्शन पे आना है एंड देन एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन वर्कस्पेस, इस बार यूज करना है रेडियल और थिकनेस चाहिए मुझे 0.2, 0.1। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे एक मॉडल डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें ये वायर उसके साथ अटैच होगी और यही वायर हर बार लूप में जा रहा होगा। सो मैंने यहाँ पे आइसोलेशन मोड से वापस आते हैं, इस वाले को नीचे लेकर चले जाते हैं, F3 मोड में रहते हैं। यहाँ पे आप जो मुझे विजिबिलिटी मिलेगी इसका कलर चेंज करते हैं, ये वायर का कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए। सो यहाँ पे जाओ और कस्टम कलर दे दो इसे। सो हमने इसे थोड़ा डार्क कर दिया। अब क्या करना है, जितनी भी जगह पे तुम्हारे पास पोल है उन सब जगह पे कॉपी करो। यहां पे क्या होगा कि यहां पे ये टर्न कर रहा है, सो ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं है। सो उसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक एंड यूज अटैच। सो क्या हुआ, ये सारे एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। यहाँ पे सिलेक्शन में देखना, मुझे यूज करना है सॉफ्ट सिलेक्शन। सो इसमें नहीं आता है सॉफ्ट सिलेक्शन, एडिटेबल पॉली में शायद आता है। इसको यूज करेंगे इस वाली जगह पे। टॉप वर्कस्पेस में चले जाओ। होना क्या चाहिए, ये वायर इस तरीके से यहां से ऐसे ही मुड़ना चाहिए। तो इसे मैं यूज करता हूं बेजियर। नाइंटी डिग्री रोटेशन को ऑफ किया मैंने।
और उसी तरीके से इधर भी लेकर आना होगा। यहाँ पे ये पोल इस वे में होना चाहिए, एंड देन वर्टेक्स इसके साथ ऐसे अलाइन होने चाहिए। अब इसके बाद यहां पे ये वाला डिवीजन जो वायर का है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, बाकी को अनसेलेक्ट करते हैं। W प्रेस किया एंड देन मूव, यहां पे आके रोटेट करेंगे। और फिर उसे सही तरीके से प्लेस करना है, कंपोनेंट से प्लेस कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी विजिबिलिटी होगी वो कुछ इस तरीके का आएगा। यहां पे क्या होगा, कुछ सिटी जैसा होगा, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स की जगह पे मैं बॉक्स रख रहा हूं। एंड देन यहां पे अब मुझे एक चेयर और टेबल चाहिए। सो वो चेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट किया, Alt Q, पहले फाइल सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल होता है एंड देन ऑल्ट क्यू, किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑल्ट क्यू कर लो। अब मुझे यहाँ पे बनाना है एक चेयर। चेयर का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसमें चेयर मुझे बनाना है सिर्फ ये वाला पार्ट, ये बाद में इसको सिमेट्रिकल। प्रोपोर्शन अभी कुछ भी बनाएंगे, बाद में उसको स्केल कर लेंगे। सो हमने यूज किया यहाँ पे सिलेंडर, नीचे का एरिया पतला, ऊपर का एरिया ठीक है। सो दिख रहा है ना तुम लोग को? Yes, sir. दोनों चीज दिख रही है, इमेज भी दिख रहा है और मैक्स भी दिख रहा है, या एक ही चीज दिख रहा है? इमेज नहीं, इमेज नहीं, ओके। सो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इसे रोटेट करेंगे। रोटेट का एंगल होना चाहिए 5 डिग्री पे। राइट क्लिक हेयर,
और इसका रोटेशन 5 पे रखना. सो इसे एक्स एक्सिस में फाइव डिग्री रोटेट किया और इसको फिर वाई एक्सिस में 5 डिग्री रोटेट किया. इसके अंदर डिवीजन नहीं लेंगे ज्यादा. सो यहां पे जाएंगे, F3 ऑन करना है. ये देखो इतने सारे डिवीजन है. सो इन सारे डिवीजन को सबसे पहले मिनिमम करना है, लाइक 12 या 8 रखा हमने. कैप डिवीजन नहीं चाहिए. सो और उसके बाद यूज करना है एडिटेबल पॉली. ऊपर का एरिया थोड़ा थिक है तो क्या करेंगे, वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन स्केल करेंगे. इसके बाद ये ऊपर में कैप डिवीजन है. कैप डिवीजन में जो ऊपर का पॉलीगन है इसे यूज करेंगे इनसेट, क्योंकि जो भी चीज बनेगा स्मूथ वे में बनेगा. एंड देन इसके बाद मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे के पैर के लिए. सो मैं क्या कर रहा हूं, इसी ऑब्जेक्ट का मिरर ऑब्जेक्ट ले रहा हूं. वाई डायरेक्शन में मिरर चाहिए मुझे. ठीक है, कॉपी के साथ अब हमने इसे थोड़े डिस्टेंस पे रखा एंड देन इसका लोअर पार्ट थोड़ा सा इस वे में होना चाहिए. समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर, आ रहा है. ओके, नाउ सेलेक्ट दिस वन. एंड अटैच. दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने अटैच कर दिया. क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कनेक्ट. डिवीजन मुझे 2 चाहिए. स्लाइड करना है ऊपर की ओर. सो 127 स्लाइड किया है. पिंच अमाउंट 56 रखा है. पिंच अमाउंट 60 एंड ये वाला अमाउंट 130. जरूरी नहीं कि इतना ही रखना है. एंड देन इसके बाद इसमें भी वही काम करना है. ये वाला ये सेलेक्ट किया, कनेक्ट. इस बार देखो क्या हुआ, ये ऊपर बना तो ये नीचे बन रहा है. सो माइनस वाले अमाउंट को प्लस में कर दो. आ गया दोनों इक्वल. एंड देन ओके कर दो. इसके बाद करना क्या है कि यहां पे ब्रिज कनेक्शन जोड़ना है. सो पॉलीगन, ये वाला पॉलीगन और ये वाला पॉलीगन, दोनों के बीच में ब्रिज का कनेक्शन होना चाहिए. सो यूज हेयर ब्रिज.
देख लेना, दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए तभी ब्रिज होगा। समझ में आया इतना? सुन रहे हो तुम लोग? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ मैं तो। ओके ठीक है, आप क्या करेंगे, अपर पॉलीगन इमेज को फिर से देखना, यहां पे देखो ऊपर की ओर एक्सटेंड किया हुआ है और इंटरनल एलिमेंट इसके साथ जुड़ रहा है, सो ये वाला डिवीजन भी ब्रिज करेंगे और ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे। सो पॉलीगन सेलेक्ट दिस वन, ग्रो सिलेक्शन, थोड़ा सा इसे टेढ़ा करेंगे एंड देन एक्सट्रूड करना है मुझे। सो एक्सट्रूड करने के लिए बाद में इसे कैप भी लगा देंगे, अभी इसका अपर पार्ट डिलीट कर रहे हैं। आर प्रेस किया एंड देन इसको स्केल कर लिया। तो इसी तरीके से मैंने 3 times एक्सटेंड किया इसको, एंड देन इसके बाद यूज कैप, अपर पॉलीगन को थोड़ा रोटेट करेंगे और ये वाला एलिमेंट पीछे लेकर जाएंगे। ऊपर वाले एरिया को सेलेक्ट करना है एंड यूज करना है इनसेट, एंड देन ओके। यहां से जाना है, जो एरिया बाहर निकला हुआ दिख रहा है उसको यूनिफॉर्म वे में सबसे लास्ट वाली एज से टेबल चेयर के टॉप का ब्रिज बन रहा है। सो एज को सेलेक्ट किया, रिंग किया, सिंगल डिवीजन कनेक्ट करेंगे इस बार। राइट क्लिक करने से 0-0 हो जाता है अमाउंट, एंड देन 1 division है तो इसे स्लाइड कर सकते हैं। सेम उतना ही अमाउंट इधर भी, कनेक्शन इसका इधर, इस वाले का इधर, सो उसके साथ जोड़ना है। सो यूज पॉलीगन, दिस पॉलीगन विद दिस पॉलीगन कंट्रोल के साथ, यूज ब्रिज। ब्रिज में क्या चाहिए, डिवीजन चाहिए, सेलेक्ट दिस वन, रिंग एंड यूज कनेक्ट।
मुझे कनेक्शन दो चाहिए या तीन चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंग मैं यूज कर लूंगा। पॉलीगन चाहिए, लूप पॉलीगन के लिए शिफ्ट के साथ करोगे एंड देन यही वाला काम मुझे इधर भी करना है, बट इधर सिमेट्री यूज करेंगे। सो उसके लिए क्या करते हैं, पॉलीगन ये वाला और ये वाला, राइट क्लिक एंड यूज एक्सट्रूड, यहां पे क्या करना है, ये दोनों चीज स्ट्रेट होनी चाहिए, सो स्ट्रेट कर लिया, पीछे वाले डिवीजन को छोड़ दिया हमने, ये वाला डिवीजन भी इसी के अकॉर्डिंग और इतना ही लंबा होना चाहिए। यहां पे क्या करना है, एज को सेलेक्ट करना है और इस बार वन डिवीजन कनेक्ट करना है, दो भी कर सकते हैं, जितना कम रखोगे उतनी कम एडिटिंग करनी होगी। सिलेक्शन ग्रो वाला कमांड यहीं पे रखना, श्रिंक करने से ही छोड़ देगा और ग्रो करने से सेलेक्ट कर लेगा। ये वाला फोन दोनों डिवीजन डिलीट कर देना है। अब यहां के दो पॉलीगन को सेलेक्ट करना है एंड देन एक्सट्रूड यूज करना है। इसमें ये वाला डिवीजन इस वाले पॉइंट को भी स्केल कर लेना है, ओके कोई कमांड यूज नहीं हो रहा है।